और भाई अगर आपने प्लानिंग करी ली है कि हमको तो यही फायर टीवी खरीदना है तो वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यार स्टार्टिंग में तो हर डिवाइस अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं लेकिन फ्यूचर में यार वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपने को निकाल के नहीं देते। तो एक साल हो चुके हैं ना मुझे, तो मैं हर डिटेल इसके बारे में समझता हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ खूबियों की बात कर लेते हैं कि इस फायर टीवी में अपने को किस टाइप की खूबियाँ मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट इस फायर टीवी का यह है कि इसकी जो प्राइस है ना वो सबसे कम है। आपको ये फायर टीवी लाइट 2000 रुपये में मिल जाएगा। और जो इसकी तीसरी खूबी है ना भाई, वो फ्यूचर में अपने को बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो है रेगुलर अपडेट। भाई एक ऐसी चीज है जो अपने को पता होनी चाहिए किसी भी डिवाइस को खरीदने से पहले। इसके अंदर अपने को रेगुलर अपडेट मिलेंगे, इवन मुझे भी यहां पे 3 से 4 अपडेट मिल चुके हैं एक साल के अंदर। 3 या 4 महीने में इसके रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, तो आपको अपडेट के मामले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर जितने भी बग्स है, जितने भी एरर थी ना, उन सभी को ये फिक्स कर देता है अपडेट होने के बाद। इवन आपके डिवाइस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप इनको फीडबैक भेज सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये वाली प्रॉब्लम है। तो आगे से जो डेवलपर सपोर्ट है ना, वो आपको अपने स्पेसिफिक फायर टीवी के लिए एक अपडेट बना के देंगे जो कि सिर्फ आपके डिवाइस में ही यूज़ होएगा। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अपने को इसके अंदर रेगुलर अपडेट मिलेंगे टाइम टू टाइम। और दोस्तों इसका जो रिमोट है ना, वो एलेक्सा के साथ आता है और इसका एलेक्सा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब फर्स्ट डे जिस तरीके से काम कर रहा था ना, अभी भी वो इसी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। हाँ बस वो वाली बात है कि सेल टाइम टू टाइम इसमें चेंज कर लिया करो, जो बैटरी इसके अंदर है ना AAA की, वो टाइम टू टाइम आप चेंज कर लोगे ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। Hey Alexa, what are you doing? I can only explain recent voice requests, but I'm learning to explain more of my actions. You can open Netflix. Here's Netflix. That's good, Alexa. Can you open Amazon Prime? Here's Prime Video. अब भाई उसकी जो कमी है ना, उसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कमी आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हो। तो दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी कमी पर्सनली मुझे ये लगी है कि इसके अंदर आप ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अंदर जो अपने को प्ले स्टोर मिलता है ना, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन तो इसमें इंस्टॉल कर पाओगे, लेकिन आप 5 से 6 एप्लीकेशन का कलेक्शन ही इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा लोड इसके अंदर दे देते हो या ज़्यादा एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल करते हो ना, तो भाई ये अटकने लग जाएगा, हैंग होएगा। मतलब ये स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, एप्लीकेशन ओपनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ओवरऑल ये अटक अटक के चलेगा अगर आप एप्लीकेशन इसके अंदर ज़्यादा इंस्टॉल करोगे तो। तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 5 से 6 का ही कलेक्शन लेकर चलना होगा। मेरे साथ हुआ क्या था भाई, मैंने इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी, शेयरिंग की एप्लीकेशन, OTT प्लेटफॉर्म, JioTV, जो कौन कौन सी एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर ली थी। उसके बाद तो भाई ये इतना अटक अटक के चला कि मैं इससे परेशान हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये इतना ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगा, बस इसके अंदर अपने को 5 से 6 एप्लीकेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी एप्लीकेशन को मैंने अनइंस्टॉल करा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि आप इसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ना वो इतना ज़्यादा भी हैवी नहीं है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन का लोड इसके ऊपर डाल दो। ठीक है, तो ये एक कमी है जो पर्सनली मुझे तो बहुत बड़ी लगी है भाई। और हाँ भाई, एक चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस करी है कि ये हीट भी बहुत होता है। मतलब 5 से 6 घंटे जब मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ ना, मतलब बंद करे बिना, तो ये हीट होने लग जाता है। और हीट का मतलब आप समझते हैं, ये जितना ज़्यादा हीट होगा ना उतने ज़्यादा चांसेस है इसके ख़राब होने के, क्योंकि इसके जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको अपन शॉर्ट में IC बोलते हैं, तो जितनी जल्दी IC गर्म होती है ना उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। और ये बात तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो भाई हीट इसके अंदर होती है 5 से 6 घंटे के बाद, लेकिन वो हीट इतनी भी नहीं होती है कि भाई ये खराब ही हो जाए। बस ये कमी है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और भाई इसकी जो तीसरी कमी है ना, वो है मल्टीटास्किंग से रिलेटेड। क्योंकि इस फायर टीवी लाइट के अंदर अपने को 1 GB की रैम मिलती है ना, तो इसकी जो मल्टीटास्किंग है ना वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर देते हो, फिर दूसरी एप्लीकेशन जब ओपन करोगे ना, तो जो पहली एप्लीकेशन है ना वो वापस से रीलोड होगी, क्योंकि इसका जो रैम मैनेजमेंट है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये बहुत सारी एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में रन कर पाए। तो 2 से 3 एप्लीकेशन ही इसके बैकग्राउंड में रन हो पाएगी, तो मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मिलेगी। बस अगर आपको सिंगल टास्क करना है सिंगल टाइम में, तो उस हिसाब से तो ये फायर स्टिक बेस्ट है। इवन फायर टीवी 3rd generation में भी अपने को 1 GB की रैम मिलती है, तो उसके अंदर भी यार मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम है जो कि इसके अंदर भी अपने को मिलती है। तो 1 GB की रैम मेरे हिसाब से कम है, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखते हुए चलनी पड़ेगी। ओके,
और हाँ दोस्तों, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी ना, तो बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया है कि भाई इसके अंदर हम पेन ड्राइव यूज़ कर पाएंगे क्या। तो देखो, डायरेक्टली तो इसके अंदर आप पेन ड्राइव यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कोई स्लॉट ही नहीं है पेन ड्राइव का, मतलब यूएसबी का। ओके, तो आपको बीच में एक कनेक्टर लेना पड़ेगा, जिसे अपन एडॉप्टर भी बोलते हैं, जिसकी प्राइस यहाँ पे 500 से 600 रुपये होती है। तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है अगर आप इसके अंदर पेन ड्राइव यूज़ करना चाहोगे तो ये भी एक कमी है, क्योंकि फैमिली के साथ अगर अपन कोई भी मूवी शो को देखना चाहते हैं ना, तो अपन जनरली पेन ड्राइव के थ्रू देखते हैं, जैसे कि फैमिलीज वीडियो है, फैमिलीज फोटो है, तो वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको एक एडॉप्टर खरीदना ही पड़ेगा अगर आप इसके अंदर पेन ड्राइव यूज़ करना चाहोगे तो। और भाई, उसकी जो आखिरी कमी है ना, वो ये है कि इसका जो रिमोट अपने को मिलता है ना, इसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन का बटन है ही नहीं। अब भाई, मुझे नहीं पता है कि एक छोटा सा बटन आप इसके अंदर दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर बटन नहीं है भाई, टीवी के रिमोट से ही अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी मदद से आप वॉल्यूम को बिल्कुल भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसकी कमियाँ, इसके फायदे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए है। अच्छा दोस्तों, अब मेरा ओपिनियन भी आप सुन लो। देखो, 2000 रुपये के हिसाब से तो ये फायर स्टिक बेस्ट है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे ना इस फायर टीवी को, जैसे कि कोई भी मूवी शो को देखने के लिए या फिर OTT एप्लीकेशन को देखने के लिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। लेकिन आप बहुत ही तगड़े यूज़र हो, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो उस मामले में तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपको कैजुअल वर्क करना है ना, तो फिर आप ये फायर टीवी लाइट ले सकते हो। और अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो ये MI का बॉक्स आप ले सकते हो भाई। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, परफॉर्मेंस के मामले में तो ये बहुत तगड़ा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी।